हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे अप्पू घर। ये एक अम्यूज़मेंट पार्क है पुणे में और सबसे पुराना अम्यूज़मेंट पार्क भी है। सो इसे मिनी डिज्नीलैंड ऑफ पुणे भी कहते हैं और हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। ये निगड़ी में आता है जो कि पुणे से 23 किलोमीटर दूर है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हमने बहुत सारे राइड्स एंजॉय करने वाले हैं। सो आपको पता चलेगा हमने क्या क्या राइड्स एंजॉय किए हैं। ये है टिकट विंडो और आगे है पार्किंग का प्लॉट। यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी बहुत था। यह है एंट्रेंस अप्पू घर का। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर एंट्रेंस बनाया गया है। सो अभी चलते हैं अप्पू घर में और राइड्स एंजॉय करते हैं। और ये अम्यूज़मेंट पार्क छोटे बच्चों के लिए भी है, अडल्ट्स के लिए भी है, तो सारे लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले सैनिटाइज करना इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइड्स का पूरा लिस्ट है। जो लेफ्ट के राइड्स है वो लेफ्ट साइड में है और राइट के जो राइड्स लिखे हुए हैं वो राइट साइड को है। तो चलिए राइट साइड को। और इस अम्यूज़मेंट पार्क का बेस्ट पार्ट है कि ये सातों दिन ओपन रहता है। आज हम वीकडे पे आए हैं और वो भी दोपहर का टाइम है, तो बहुत ही कम क्राउड, वरना वीकेंड्स पे बहुत क्राउड होता है। अप्पू घर इंदिरा गांधी उद्यान में आता है और आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन है और बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ पे कुछ फेमस राइड्स है वो हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। आप देख सकते हैं अप्पू कोलंबस है यहाँ पे, और भी बहुत सारे राइड्स है जैसे कि माय फेयर लेडी, डैशिंग कार यानी कि धड़क गाड़ी, वो भी हम लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स है और एंट्रेंस टिकट भी बहुत ही नॉमिनल है, और आप इंडिविजुअल राइड्स के लिए भी अंदर पे कर सकते हैं, नहीं तो पूरा पास भी ले सकते हैं। कॉमन टिकट होता है वो, उसमें सारे राइड्स इंक्लूड होते हैं और डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल सकता है। अभी हम अप्पू घर एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे अलग अलग राइड्स और हमारा एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करेंगे। तो हम शुरुआत ही करते हैं सबसे थ्रिलिंग राइड से, यानी कि रोलर कोस्टर राइड। सो देखते हैं यहाँ का रोलर कोस्टर राइड कैसा होता है। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे राइड्स हैं। सो बहुत सारे चिल्ड्रन आते हैं और यहाँ पे राइड्स एंजॉय करते हैं, और यहाँ पे मिनी डिज्नीलैंड भी इसको बोलते हैं।
अभी हम जाएंगे अप्पू एक्सप्रेस में। अभी हम जा रहे हैं स्लैम बॉम्ब की तरफ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा राइड है।
अभी हम जा रहे हैं माय फेयर लेडी राइड एंजॉय करने। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था माय फेयर लेडी। आप देख सकते हैं क्या मज़ा आया। आप अगर आपको घर आए तो ज़रूर एंजॉय कीजिए माय फेयर लेडी राइड को। अभी हम जा रहे हैं अप्पू घर का गाइडेड कार राइड एंजॉय करने।
आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू दिखता है इस राइड से। अगर आपको थ्रिलिंग राइड्स पसंद है तो अप्पू घर में आके अप्पू कोलंबस का राइड एंजॉय करना तो बनता है। तो अभी जस्ट एंजॉय किया मैंने कोलंबस का राइड, आप पीछे देख सकते हैं। तो बैक सीट पे ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही हाइट पे जाता है। बहुत अच्छा एडवेंचरस था, बहुत एंजॉय किया। तो बहुत ही फन राइड था ये अप्पू कोलंबस राइड। आप देख सकते हैं सामने है भूत बंगला। तो अंदर एक राइड है जो भूत बंगले के अंदर से जाती है। तो चलिए राइड को एंजॉय तो नहीं कह सकता, एक्सपीरियंस करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने भी हमारे साथ ये राइड्स एंजॉय किए। मगर यहाँ पे आके ये राइड्स एंजॉय करना अलग ही एक्सपीरियंस है और बहुत ही मज़ा आया हमें यहाँ के। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। आप बच्चे, चिल्ड्रन और बड़े भी आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे राइड्स। जब भी आप पुणे विज़िट करेंगे तो अप्पू घर ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो अभी हम आ गए हैं एग्जिट को अप्पू घर के और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आज थोड़ा ऑफ डे था तो क्राउड बहुत कम था, तो हमने बहुत एंजॉय किया। तो आशा करते हैं कि आपने भी वीडियो एंजॉय किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।